For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. So, आज क्या कहना चाहेंगे आज सलमान को जेल हो गई 5 साल की जेल 10,000 जुर्माना क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई मैं जो कुछ भी कहना चाहूँगा बोले दिल से कहना चाहूँगा मैं सलमान भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं उनके घर पे गया भी हूँ 2-3 बार काम के निस्बत से बहुत अच्छे आदमी है ऐसा कुछ नहीं है बहुत बड़ा फैन हूँ मैं मेरे जितने दोस्त लोग हैं सब लोग फैन हैं क्या कुछ कितना बुरा लगा उन्हें 5 साल की जेल हुई है उनको जेल हुई 5 साल की तो हमको तो बहुत बुरा लगा दिल पे बहुत तकलीफ है बाकी दोस्तों लोग को भी बहुत तकलीफ है रात में हम लोग की बात भी चल रही थी दोस्त लोग बोले बहुत गलत हुआ है क्या कहना चाहेंगे आज सलमान को जेल हुई है 5 साल की मैं कहना चाहूँगी कि सलमान खान को जेल नहीं होनी चाहिए बल्कि वो डिजर्व नहीं करता जेल हाँ और 5 साल बहुत ज़्यादा होता है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा होता है इतना मैं तो यही बोलूँगी कि सलमान खान को जेल नहीं होनी चाहिए वो बहुत अच्छा इंसान है और वो मुझे बहुत पसंद है तो जितना सोशल कॉज करते थे वो अपनी ट्रस्टी के लिए हर एक संस्था के लिए तो उसको कितना बड़ा लॉस है क्योंकि 5 साल वो अपनी इंडस्ट्री से दूर रहेंगे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा उसको साल में हर साल उसकी एक नई पिक्चर आती है तो उनको बहुत मिस करेंगे हम लोग उसको जेल नहीं होनी चाहिए बस मैं तो इतना ही बोलूँगी थैंक यू सो क्या कुछ कहना क्या कहना चाहेंगे सलमान को 5 साल की जेल हो गई 10,000 जुर्माना इतने लंबे समय ये केस चला है सो क्या कहना चाहेंगे सर जब मैं इस न्यूज़ के बारे में सुना तो मैं काफ़ी शॉक हुआ क्योंकि 5 साल की सज़ा एक ऐसे एक्टर को जिसका बॉक्स ऑफिस में 1 करोड़ रुपये अपना कमाती है लेकिन वो एक्टर एक ऐसा है वो हम लोग उसको इतना प्यार करते हैं हम लोग इतने बड़े फैन हैं तो ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनके साथ ऐसा हो सकता है लेकिन जो है वो एक अच्छे जैसे बोलते सबकी हेल्प करने वाले होते हैं तो हम लोग उनके जिस हिसाब से फ़ैन हैं तो हमें नहीं लगता कि उनके साथ ऐसा कुछ होना चाहिए उन्होंने लोगों के साथ बहुत कुछ किया है और जितने भी उन्होंने मतलब उनके साथ जो भी हुआ है उन्होंने सामना किया लेकिन इस हिसाब से इतने 10 साल से इनके केसेस चल रहे हैं तो उस हिसाब से ये अनफेयर है सो गवर्नमेंट की तरफ से क्या देखते हैं हम गवर्नमेंट को या कुछ दूसरी तरफ कुछ उन्हें उनके लिए कुछ अलग डिसीजन लेना चाहिए था या कम वक्त का या कुछ जुर्माना दे के उन्हें छोड़ देना चाहिए था गवर्नमेंट तरफ से मैं ये कहूँगा कि सर ये सब चीज़ें उनसे पहले ही कर लेनी चाहिए इतने लंबा नहीं लेना चाहिए क्योंकि आदमी का कैरियर उससे ख़राब होना चाहिए और उस हिसाब से लेकिन हम लोग इतने फैन हैं उनका उनको ऐसा नहीं जाने देंगे और उस हिसाब से तो गवर्नमेंट को तो मैं कहूँगा ये बहुत ही गलत डिसीज़न है क्योंकि 5 साल का कैरियर आप उनको ख़राब कर सकते हैं और इससे जो है उनको काफ़ी और उनके फैमिली वालों को भी काफ़ी तकलीफ होगी और बॉलीवुड में जितने लोग और फैंस जितने हैं उनको भी काफ़ी शौक लगा इस न्यूज़ पे और ये बहुत ही डिसीजन जो भी बहुत गलत लगा देखिए सलमान खान का जो वर्डिक्ट हुआ है आज जो दिया है ये बहुत बैड न्यूज़ फॉर अस हम लोग कलकत्ता से आए हैं बहुत लोग घूमने आए हैं और आज ये न्यूज़ सुना के चिंगारा जो हिरन के बारे में जो मामला हुआ उसको 5 साल या 6 साल का जेल हो सकता है अभी नहीं है क्या निकला है राय हम लोगों को पता नहीं लेकिन वेरी बैड न्यूज़ ये 20 साल हो गया अभी तक मतलब ये केस चल रहा था सलमान खान को जेल हो गया ये तो सुन के पूरा इंडिया का मतलब सभी सलमान खान को जितना फैन है उसका हार्ट बहुत ब्रेक हो सकता है और उसका जो सोशल जो काम करते हैं वो उसके लिए थोड़ा सा उसको कंसिडर करना चाहिए अभी वो एक बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा हस्ती है उसके ऊपर बहुत सारे प्रोड्यूसर ने इन्वेस्ट करके रखा है तो ये भी थोड़ा देखना चाहिए क्योंकि अभी जो उसका जो अपकमिंग फिल्म है उसका जो प्रोड्यूसर है उसको भी थोड़ा एम्बैरेस लगता होगा तो ये सब देखना चाहिए सो गवर्नमेंट को लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे भाई सलमान गवर्नमेंट को मैसेज मतलब ये देना चाहूँगा कि ये केस जितना जल्दी हो सके अगर उसको रिहा मिल गया है तो अच्छा होगा सो क्या कहना चाहेंगे आप सलमान खान को 5 साल की जेल हुई सो देखिए बहुत दुख की बात है कि उनको 5 साल की जेल हो गई हम लोग बॉम्बे घूमने आ रहे थे आज लेकिन हमको पता था कि आज उनका वर्डिक्ट निकलने वाला है 5 तारीख है तो फ्लाइट जब लैंड हुआ उसके बाद हमने खबर सुना कि उनको सज़ा की घोषणा की गई लेकिन बाद में पता चला कि कितना सज़ा होगा पता नहीं था बाद में पता चला कि उनको 5 साल जेल हुई है ख़राब लग रहा है क्योंकि एज ए फैन मुझे ख़राब लग रहा है बाकी उन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया मतलब जो
काले हरिण के मामले में उनको ये हो गया, बाकी सबको बेकसूर मतलब छूट दे दी गई, लेकिन उनको ही सिर्फ सज़ा मिल गया। ठीक है, ये तो नहीं है कि वो लोग भी साथ में थे। अभी भूल चूक तो आदमी से हो ही सकता है, ठीक है, और लेकिन हमारे देश की जो मतलब मेन चीज़ है कि कानून व्यवस्था, वो सबसे अच्छा है कि उसमें ये पता चलता है कि छोटे हो या बड़े, किसी को भी मतलब जो अगर गलती करेगा तो उसको सज़ा होगा ही। ठीक है, तो ये बात भी मतलब कानून ने सामने रखी है कि चाहे कितना भी पैसे वाला हो और कितना भी गरीब इंसान हो, कानून सबके लिए। लेकिन एक चीज़ खराब लगता है कि 20 साल से जो ये केस मतलब झूल रहा था, ये बात ठीक नहीं है। अगर उनको सज़ा देना ही था तो बहुत पहले इसको डिक्लेयर करना चाहिए। बस और कुछ नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। काफ़ी निराश दायक है, सलमान खान को 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। हम यहाँ पर घूमने आए थे, सोचा था सलमान खान से मिलेंगे, आके देखा कि यहाँ पर सब मीडियाकर्मी वगैरह हैं, पुलिस वगैरह है, जो पता चला कि उन्हें 5 साल की सज़ा सुना दी है जोधपुर कोर्ट ने, और उनके लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए उन्हें, उनकी रिहाई के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम काफ़ी निराशदायक हैं कि सलमान खान को 5 साल की सज़ा हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी। इतने पुराने केस को, एक हिरण के केस को लेकर उन्हें 5 साल की सज़ा हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोई और सज़ा हो जाती, लेकिन सज़ा 5 साल की सज़ा नहीं होनी चाहिए थी उन्हें। और जो भी है वो तो देखा जाएगा, जो भी कुछ आएगा। सन्नाटा इसीलिए है ना कि उन्हें 5 साल की सज़ा हो गई है, और पुलिस वगैरह लगी हुई है यहाँ पर, और मीडिया कर्मी है, और कोई वैसे नहीं दिखाई दे रहा है उनके फ़ैन वगैरह, क्योंकि सब निराश हैं। ये कुछ कह नहीं सकते हो किस टाइम आएंगे या नहीं आएंगे आज इधर। गवर्नमेंट को होगा, साथ में पब्लिक को होगा, जितने भी उनके फ़ैन हैं सभी को होगा। जो उनकी मूवियाँ आती हैं सब बहुत अच्छी होती हैं, फैमिली मूवी होती हैं खास करके, कि कोई भी सब फैमिली के साथ हम जाकर देखते हैं मूवी, जो बहुत अच्छी मूवियाँ लाते हैं हर बार सलमान खान। जो अब 5 साल की नहीं, अगर ये सज़ा हुई है तो वो काफ़ी लंबा टाइम हम उनको नहीं देख पाएंगे। सर मैं उनकी तो सभी चीज़ों में, वो उनका जो नेचर है वो अलग ही है, नेचर जो है बिल्कुल हटकर है। डोनेशन वगैरह में वो हर चीज़ में, चैरिटी वगैरह में हर चीज़ में आगे हैं, वो हर चीज़ में नंबर वन पर हैं अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से तो बेस्ट 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 सेलिब्रिटी हैं वो, जो डोनेशन में माना जाए तो। नहीं, धूमधाम तो दिखाई देगा, लेकिन गवर्नमेंट का डिसीज़न है वो तो करना ही पड़ेगा फॉलो, उसमें तो जनता या फैंस कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट ही देखेगी जो भी होगा। अब ये है, ये यहाँ से हुआ है, अब ऊपर जाना पड़ेगा, हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, अब हाईकोर्ट से ही होगा जो भी होगा के लिए।